संदीप रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल ने बॉबी देओल ने बेहतरीन रोल कर फैंस को अपना दीवाना बना लिया। तो दोस्तों आइए जानते हैं उनके करियर की 6 बेस्ट फिल्मों के बारे में। संदीप रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल आजकल चर्चा का विषय बन चुकी है। इस फिल्म में बॉबी देओल ने बेहतरीन रोल निभाकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है। 2012 से 2017 तक उन्होंने सिर्फ 3 फिल्म की थी। इसके बाद 2018 में उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि दोबारा पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। कॉफी विद करण सीजन 8 में उन्होंने अपने करियर के रिलेटेड बात की और बताया कि एनिमल फिल्म उनके लिए एक सपना था। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं वो 6 फिल्मों के बारे में। बॉबी देओल ने सलमान खान के साथ मिलकर रेस 3 में मेन रोल भी निभाया था। इस एक्शन थ्रिलर में उनका कार्य क्रिटिकों की तारीफों से पुल बांधे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेसफुल रही थी। फिल्म ने वैसे ही पूरी दुनिया में नाम बनाया था और रेस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया। दूसरा यमला पगला दीवाना फिर से। धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने इस कॉमेडी फिल्म में अच्छे रोल में अपनी बेस्ट एक्टिंग दिखाई। फिल्म ने उम्दा कॉमेडी के साथ दर्शकों को हंसी के लिए मनाया और बॉबी ने अपने कॉमिक तालमेल से दिल जीता। हाउसफुल 4। बॉबी देओल ने इस कॉमेडी फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग को बनाए रखते हुए एक बार फिर से दर्शकों को हंसी में डाल दिया। हाउसफुल 4 ने बॉबी को एक सफल कॉमेडी फिल्म स्टार के रूप में स्थापित किया और उसकी एक्टिंग को सहारा गया। क्लास ऑफ 83। इस फिल्म में बॉबी देओल ने एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया जिसने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का कार्य किया। क्लास ऑफ 83 ने दर्शकों को एक बेस्ट प्रदर्शन और गहरी कहानी के साथ प्रदान किया और उसके बॉबी देओल का अच्छा प्रदर्शन देखा गया। बाद में आती है लव होस्ट। बॉबी देओल ने इस रोमांटिक थ्रिलर में एक सुपारी किलर का किरदार निभाया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत ही सक्सेसफुल रही और इसको बहुत तारीफ भी मिली। बाद में आती है सीरीज आश्रम। बॉबी देओल ने आश्रम सीरीज में एक धोखेबाज बाबा का किरदार निभाया और इसे वे अपने एक्टिंग का कौशल का परिचय कराया। यह सीरीज देश भर में बहुत प्रशंसा प्राप्त करने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता प्राप्त की। ये थी नई जानकारी। अच्छी लगे तो लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।